So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video, we are going to talk about the basic differences between the normal or the conventional PCR and the real-time PCR. You must know this fact very well that in the COVID-19 testing, the real-time PCR is a very important tool to diagnose that. So why it is used, why not the conventional PCR is used in all those protocols, we are going to talk about that, for which you require a basic knowledge of PCR first. So सबसे पहले मैं आपको PCR के बारे में पढ़ाऊंगा, कन्वेंशनल PCR की बातें बताऊंगा और फिर रियल टाइम PCR की बातें बताऊंगा, जिससे आपका एक सिलेबस का चैप्टर भी कंप्लीट होगा और आपको जो है साथ साथ थोड़ा बहुत एडिशनल भी पता लगता रहेगा कि रीसेंट एडवांसमेंट्स क्या हुई हैं आपकी साइंस की फील्ड में। सो आप लोगों ने अभी तक अगर मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ओजोन क्लासेस। हमारा यूट्यूब पर एक और चैनल है जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0, तो उसे भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम और 2.0 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे विपिन शर्मा बायोलॉजी सर्च कर सकते हैं, दैट इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। चलिए बात करते हैं मॉर्निंग बाइट के एक और फ्रेश और अमेजिंग सेशन की, और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही मस्त टॉपिक, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, दैट इज पीसीआर। ओके, तो पीसीआर का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो हमें यह समझना है। पीसीआर के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं नाम में, पी फॉर पॉलीमरेज सी फॉर चेन एंड आर फॉर रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज जो डीएनए को पॉलीमराइज करता है, जो डीएनए को रेप्लिकेट करता है, उसके रिएक्शंस की पूरी चेन जो है यहां पर चलती जाएगी। यानी एक डीएनए से अगर दो डीएनए बने हैं तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। इस हिसाब से आपका जो पॉलीमराइजेशन है वो चलता ही रहेगा जब तक आपके डिजायर्ड फ्रेगमेंट की एम्प्लीफिकेशन नहीं हो जाती। यानी कि अगर समझ लो आपकी बॉडी में कोई पैथोजन है और उसका छोटा सा कोई डीएनए आपको मिल गया है, तो इसको अगर आप एम्प्लीफाई कर दें, अगर आप जीन को एम्प्लीफाई कर देंगे तो आपके बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगी इसकी और ये आसानी से डायग्नोज होने लायक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो यार, 1 नैनोग्राम आपका आसानी से पकड़ में आ जाएगा या फिर 1 ग्राम। अब आप लोग बोलोगे सर ऑब्वियसली 1 ग्राम, ये भी कोई पूछने की बात है। अगर मैं बोलूं 1 ग्राम इजीली पकड़ में आएगा या 1 किलोग्राम, तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली 1 किलोग्राम। सिमिलरली यहां पर जो जीन्स होते हैं अगर आप उन्हें एम्प्लीफाई कर दोगे, अगर आप उनकी बिलियंस ऑफ कॉपीज बना दोगे तो ऑब्वियसली वो जल्दी पकड़ में आएंगे ना। तो आपके डायग्नोसिस में एम्प्लीफिकेशन टूल्स बहुत बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पहला जो आपका प्रोसेस रहता है, सबसे पहली स्टेज क्या रहती है, डीनेचुरेशन। यानी समझ लीजिए ये आपका डीएनए था, दिस इज फर्स्ट स्ट्रैंड, दिस इज सेकंड स्ट्रैंड, ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, समझ लीजिए ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, राइट, ये आपके 2 स्ट्रैंड हो गए। सो पहला प्रोसेस क्या है, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, आपने टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर दिया 92 से 94 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर क्या हुआ आपका डीनेचुरेशन हो गई, दोनों स्ट्रैंड जो है बहुत ज्यादा दूर चले गए और सेपरेट हो गए। अब क्या हुआ, इनके ऊपर जो है आपने क्या लगा दिया, इनके ऊपर आपने एनीलिंग करवा दी। यानी सेकंड स्टेप क्या है, एनीलिंग। तो आप लोग क्या है, प्राइमर डिजाइन कर सकते हो, प्राइमर सिंथेसाइज कर सकते हो और उन प्राइमर्स को आप लोग यहां पर लगा दोगे एक ही स्ट्रैंड पर। क्यों, जिससे एक प्राइमर जो है इसके ऊपर आपका डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करे और पूरा का पूरा ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दे। एक जो आपका दूसरा प्राइमर है इसके हेल्प से जो है डीएनए पॉलीमरेज आपका दूसरा स्ट्रैंड तैयार कर दे। यानी यहां पर आपके इनिशियली क्या थे, एक डीएनए मॉलिक्यूल था, यानी 2 स्ट्रैंड थे। तो एट द एंड ऑफ द डे एक रेप्लिकेशन साइकिल के बाद आपके 2 डीएनए यानी 4 स्ट्रैंड जो है आपको बनकर मिल गए। सिमिलरली आप जब अगली बार डीनेचुरेशन और एनीलिंग करवाओगे तो आपके जो है बेसिकली कितने मिल जाएंगे, आपको 8 मिल जाएंगे। सो इस पॉलीमरेशन का होना यहां पर विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन और द एक्सटेंशन। तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं आपके पीसीआर में। पहला आपका डीनेचुरेशन, जहां पर डीएनए सेपरेट हो जाते हैं। डीएनए सेपरेट होने के बाद प्राइमर का ऐड होना जरूरी है जो कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर पाएगा, क्योंकि जो आपका पॉलीमरेज रहता है ये आपका कहां पर अटैक करता है, सबसे पहले अगर आपका ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा तो इसे 3 प्राइम OH की जरूरत पड़ेगी। ये 3 प्राइम OH आपका प्रोवाइड करता है प्राइमर, राइट। सो प्राइमर जो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आपके यहां पर ऐड हो जाएंगे, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा और यहां पर जो है आपके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके पूरे डीएनए को सिंथेसाइज कर देगा और आपका पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली आप जब इसकी दूसरी साइकिल करवाएंगे तो आपके 1 से 2 बने, 2 से 4 बन जाएंगे, फिर उन 4 की आप लोग दोबारा साइकिल कराएंगे तो 8 बन जाएंगे, देन 16, देन 32 एंड सो ऑन। सो अगर आप नियरली 30 साइकिल्स करा देते हैं आपके पीसीआर की तो आपकी जो है नियरली 1 बिलियन यानी 1 अरब जो है किसी भी जीन की कॉपीज आपकी तैयार हो जाती हैं। ये एनसीईआरटी का डेटा है और ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। यहां पर जो आपका पॉलीमरेज यूज किया जाता है, सिंस आप इसे पूरे के पूरे सॉल्यूशन में रखते हो, राइट। यहां पर एक मिक्सचर है चीजों का, यहां पर आपको न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड करने हैं, यहां पर आपको बफर सॉल्यूशन भी रखना है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो पाएगा, आपको प्राइमर्स भी डालने हैं, आपको डीएनए का जो टेम्पलेट है वो भी डालना है, आपको पॉलीमरेज भी डालना है। तो ये जो है आपका टूटना नहीं चाहिए डीनेचुरेशन टेम्परेचर से। यहां पर जो डीनेचुरेशन टेम्परेचर था इस पे आपका नॉर्मल जो पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज क्या होता है, इट्स एन एंजाइम और इट्स अ प्रोटीन। सो ये प्रोटीन तो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाएगा ना, इसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये इनएक्टिव हो जाएगा। सो यहाँ पर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से आपका डीएनए पॉलीमरेज चुरा कर लाया जाता है जो कि रहता ही ऐसे टेम्परेचर पर है, अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, राइट। सो इसके डीएनए पॉलीमरेज को अगर आप डीनेचुरेशन टेम्परेचर पे ट्रीट कराओगे तो इसको कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पर जो है आपका थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से जो है ये लिया जाता है। थर्मस एक्वाटिकस, नाम में सब कुछ है दोस्तों। थर्मस का मतलब थर्मल यानी टेम्परेचर से रिलेटेड, एक्वाटिकस मतलब पानी में, यानी आपका हॉट जो स्प्रिंग्स थी उनमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया था और ये वहां पर भी सर्वाइव कर रहा है, मतलब इसका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है इतने हाई टेम्परेचर पर भी। हाई टेम्परेचर पर रेप्लिकेट कैसे कर सकता है, जब उसका जो डीएनए पॉलीमरेज है ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव हो, जो हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर ना हो। तो इसको जो है आपके कैरी मुलिस साहब ने यहाँ पर यूज कर लिया। यह आपका कन्वेंशनल पीसीआर है। कन्वेंशनल पीसीआर में काफी बार कुछ गड़बड़ी हो जाती है, काफी बार आपका प्राइमर का अमाउंट कम डलता है, काफी बार जो है आपके बफर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वेरी करती है, काफी बार जो है आपका पॉलीमरेज ठीक से नहीं काम कर पाता, या फिर वैरायटी ऑफ थिंग्स आर हेयर। काफी बार जो आपके डीएनए टेम्पलेट्स हैं वो ठीक से नहीं अटैच हो पाते प्राइमर के साथ। देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स, ओके। काफी बार प्राइमर डिजाइन करने में ही गड़बड़ हो जाती है। तो इन सारी वजहों की वजह से, यानी एट द एंड आपको जो है ये नहीं पता लग पाता प्रोसेस के खत्म होने तक कि आपका जो जीन है वो एम्प्लीफाई हुआ है या नहीं। यानी आपको रिजल्ट कब पता लगेंगे, आपको रिजल्ट तब पता लगेंगे जब आपका पीसीआर का पूरा प्रोटोकॉल कंप्लीट हो चुका होगा और उसके बाद आप जेल रन करेंगे, तब आपको पूरा प्रोसीजर पता लगेगा कि सच में आपका डीएनए एम्प्लीफाई हुआ है या नहीं। यानी यहां पर डीएनए तो एम्प्लीफाई होगा, लेकिन अगर समझ लो कोई गड़बड़ी हो गई और एंड में आपको रिजल्ट पता लगा कि डीएनए एम्प्लीफाई हुआ ही नहीं, तब आप क्या करोगे, राइट। तो यहां पर क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये और ये कंबरसम प्रोसेस है। यहां पर आप जो है वापस नहीं जा सकते। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आपका रियल टाइम पीसीआर होता है जिसे आप आरटी पीसीआर बोलते हैं। आरटी पीसीआर क्यों एडवांसली यूज किया जाता है आजकल हर टेक्निक के अंदर, क्योंकि आरटी पीसीआर का नाम है रियल टाइम, यानी हमें रियल टाइम में बता देगा कि आपका कितना प्रोसेस हुआ है और कितना नहीं, राइट। ये आपको रियल टाइम में बता देगा। यानी कि कन्वेंशनल पीसीआर में आपको पूरा प्रोसेस होने के बाद पता लग रहा था कि आपका जीन एम्प्लीफाई हुआ है कि नहीं, जिसमें चांसेस हैं कि ना भी हुआ हो, लेकिन रियल टाइम में आपको पहले ही पता लग जाएगा, पहले 5 मिनट में ही पता लगने लग जाएगा कि कितनी रिएक्शन प्रोग्रेस हुई है और आगे इस रिएक्शन के कितने प्रोग्रेस और करने के चांसेस हैं। तो यहां पर क्या होती है, आपकी फ्लोरेसेंट डाइज डलती हैं। सो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पर आपको एक ग्राफ जो है इस मशीन के ऊपर ही प्लॉट होता हुआ दिखाई दे जाता है। जैसे जैसे आपके डीएनए की एक कॉपी है तो कम डाई उसके साथ बाइंड करेगी, फिर 2 कॉपीज हैं, 4 हैं 8 हैं 16 हैं 32 हैं, इस तरीके से जिस हिसाब से आपकी हजारों कॉपीज बन जाएंगी ये जो है आपका एम्प्लीफिकेशन शो करने लगेगा और आपकी फ्लोरेसेंस जो है उसका एक ग्राफ यहां पर बन जाएगा। अगर ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है मतलब डीएनए की कॉपीज इंक्रीज हो रही हैं, मतलब आपका जीन जो है एम्प्लीफाई हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग से ही आपको पता लगता रहेगा कि आपका प्रोसेस जो है एक बहुत ही बढ़िया पेस पे चल रहा है और आपको जो है आइडिया लगता रहेगा कि यस वी आर गोइंग करेक्टली, ओके। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर कुछ गलती है तो आप इसे बीच में स्टॉप कर सकते हो, आपका पूरा का पूरा 1 घंटा यहां पर बर्बाद नहीं होता। लेकिन कन्वेंशनल पीसीआर में काफी बार पूरा पीसीआर हो जाता है और आपको एंड रिजल्ट्स नहीं मिलते। और सिंस अभी हमारे पास बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम था तो हमने जो है सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ही यूज की, जहां पे हम साथ साथ रिजल्ट्स को देख सकते हैं। एक अलग पेन हम लोग ले लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिर रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है। ये आपकी कुछ डाई है जो यहां पर बाइंड करती है, इसे आप साइबर ग्रीन बोलते हैं, ओके। सो जो साइबर ग्रीन है, अगर समझ लो डीएनए के आपके 2 स्ट्रैंड है यानी 1 पीस ऑफ डीएनए है, तो साइबर ग्रीन कम बाइंड करेगी तो आपका इनिशियल फ्लोरेसेंस थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आपके डीएनए की कॉपीज बन चुकी हैं पॉलीमराइजेशन के बाद, ओके, चेन रिएक्शन के बाद, तो यहां पर क्या होगा, काफी सारी साइबर ग्रीन जो है यहां पर आपकी काफी सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती रहेंगी। यानी जितना आपका डीएनए एम्प्लीफाई होता जाएगा, जितनी ज्यादा उसकी कॉपीज बनती जाएंगी, उसी हिसाब से आपकी जो साइबर ग्रीन है वो फ्लोरेसेंट डाई आपकी डीएनए के साथ जो है बाइंड करती जाएगी। एंड जस्ट बिकॉज इट इज बाइंडिंग विद डीएनए इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द फ्लोरेसेंस और यहां पर जो है आपको एक्सटेंसिव कलर दिखाई देगा, जिससे आपको ग्राफ में पता लग जाएगा दैट वी आर गोइंग करेक्टली, आवर प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट अ वेरी गुड पेस। सिमिलरली देखो डाई जो है ये सॉल्यूशन में आपकी कोई फ्लोरेसेंस एमिट नहीं करती, बहुत कम फ्लोरेसेंस एमिट करती है, लेकिन जब ये डीएनए से बाइंड हो जाती है, यहां पर देखो ये सॉल्यूशन में है, लेकिन जैसे ये डीएनए से बाइंड हुई तो ये आपकी फ्लोरेसेंस एमिट करने लग गई। और ज्यादा से ज्यादा डाई आपकी डीएनए से कब बाइंड होगी, जब ज्यादा से ज्यादा डीएनए की कॉपीज आपकी सिंथेसाइज होंगी, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्प्लीफिकेशन और द पॉलीमराइजेशन। तो जैसे जैसे आपकी पॉलीमराइजेशन होती रहेगी, आपकी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं यहां पर आपको रियल टाइम में दिखती रहेंगी, इसीलिए इसे बोला गया रियल टाइम पीसीआर, और इसीलिए ये ज्यादा एडवांस है। आपका कन्वेंशनल पीसीआर में टाइम वेस्ट बहुत है और आप लोग बीच में उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते, बिकॉज आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रोसेस हो भी रहा है कि नहीं, राइट। सो दिस वॉज द थिंग, दैट्स वाई इट इज यूज इन द डायग्नोस्टिक पर्पज, और इसीलिए आपकी कोविड टेस्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका रियल टाइम पीसीआर का ही है। ओके, सो आई होप दैट यू गॉट द वीडियो वेरी वेल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ओजोन क्लासेस। और इसके साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पर्सनल सारे नोटिफिकेशन और मैसेजेस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।